नमस्कार, बीबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। खबर प्रादेशिक के साथ मैं हूं नरेंद्र भाटी। हरियाणा बिजली निगम के एसडीएम शत्रुजीत कपूर ने कहा कि निगम प्रदेश को 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने के लिए प्रतिबद्ध है। बिजली सप्लाई की दिशा में बेहतर सुधार आया है। आज प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में करीब 500 फीडर ऐसे हैं जहां शहरों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली की सप्लाई दी जा रही है। वे रेवाड़ी में एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कंवर सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बात ये रही कि जो हमारे ऑपरेशंस की जो टीम है, हमारे 250 के करीब सब डिवीजन है पूरे प्रदेश में, वो सारे के सारे हमारे कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर के, और उसमें हमने जो पुलिस का विंग है उनके साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेशन बना करके हर वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में जो चोरियाँ होती थी, बिजली की चोरी की बड़ी भारी समस्या रही है, उसको रोकने में बड़ा अच्छा काम हुआ। पिछले साल जो 2017-18 फाइनेंशियल ईयर था उसमें 95,000 से भी ज़्यादा चोरियाँ पकड़ी गई, 326 करोड़ की का जुर्माना लगा और करीब करीब 200 करोड़ की उसमें से रिकवरी हो चुकी है। इसके अलावा हमारी जो सप्लाई की पोजीशन है उसमें हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की। जो हमारा गांव जगमग गांव स्कीम के तहत करीब करीब 500 फीडर ऐसे हो चुके हैं जिनमें 24 घंटे के करीब उसमें बिजली दी जा रही है। 2300-2400 गांव ऐसे हो चुके हैं जिनको हम शहर की तर्ज पर 24 घंटे की सप्लाई करते हैं, और कुल 6500 में से ये बड़ा नंबर है जी। आज की तारीख में सप्लाई की पोजीशन सुधरी है और वहाँ पे हमने लॉसेस कम किए हैं। जो लॉस लेवल जो कि चोरी का दूसरा नाम था जी, उसको कम करके 20% 22% तक ले कर दिया है। तो ग्रामीण अंचल के अंदर काफ़ी कमी हुई है हमारी, और उद्योग और हमारे जो दूसरे क्षेत्र हैं शहरों में वहाँ बिजली की सप्लाई बेहतर की है, तो वहाँ पर खपत भी बढ़ी है। उस बढ़ी हुई खपत से हमारा जो आमदनी है इन निगमों की वो बेहतर हुई, और जो ओवरऑल जो लॉस लेवल 30% पे होता है, यानी 100 यूनिट जो हमारी सिस्टम में जाती थी उसमें केवल 70 यूनिट के ही पैसे हमें मिलते थे, वो लॉस लेवल के आज की तारीख में 20-30% पे आते हैं।